नोएडा के मारवा स्टूडियो में 12 से 14 फरवरी 2020 तक 8वां ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का शानदार आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ मारवा स्टूडियो के स्टूडेंट्स के द्वारा स्टील फोटोग्राफी एग्जीबिशन से किया गया। ICMEI के प्रेसिडेंट एवं मारवा स्टूडियो के संस्थापक संदीप मारवा ने यहां पर आए हुए सभी गणमान्य महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन किया और कहा कि यह बड़े हर्ष का विषय है कि मारवा स्टूडियो पिछले 8 सालों से ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल बहुत ही शानदार तरीके से मना रहा है। इसकी भव्यता का परिचय इसी बात से होता है कि इसे 500 से भी ज्यादा समाचार पत्रों के द्वारा कवरेज किया जाता है। भारत के कोने कोने से आए हुए शिक्षा, समाज एवं फिल्म जगत से जुड़े हुए प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी बंधुओं ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया है। सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धारा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। Respected dignitaries on the dais, people from different countries, my dear friends, what I'm trying to tell you in these 2 lines, whether it is north, south, east or west, whether you are in India or abroad, whether you are on the top of the hill or you are standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers or maybe looking at the most beautiful woman on earth. But the fact is there are 2 things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes, and these 2 things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. On this very auspicious day, let's pray, Hey Lord, give me good thinking, give me good feelings so that I can do good deeds, and through my good karmas, I would love to convert this earth into heaven. That's what I believe and I presume that you will also believe in the same. इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी पुरस्कार से 10 चुने हुए लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय जर्नलिज्म दिवस के अवसर पर पोस्टर का अनावरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में स्लोवेनिया के राजदूत मार्जन सेनसेन, पेरू के राजदूत कार्लोस पोलो, बोस्निया के राजदूत मोहम्मद सेनजिक, रोमानिया के राजदूत राडू ऑक्टेवियन डोबरे, घाना के राजदूत माइकल एरॉन ओकाये, भारत के नेशनल सेक्रेटरी तीरथ सिंह रावत, के एल गंजू, कॉलमिनिस्ट अशोक कुमार टंडन, लिसोथो के काउंसलर हाई कमिश्नर मोफते सेकमान, कॉलमिनिस्ट माधवन नारायणन और फिल्म क्रिकेट कोमल नाहटा जैसे कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मीडिया समाज का दर्पण है और सामाजिक समरसता को बनाए रखने में इसकी विशेष भूमिका होती है। इन्होंने पत्रकारिता कर रहे सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं और संदीप मारवा जी का धन्यवाद किया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग शामिल होकर मारवा स्टूडियो की गौरव गाथा को बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल फेस्टिवल जर्नलिस्ट अपने मिस्टर मारवा जी, सम्मानित मंच अपने बेनगौर जी, जनरल सेक्रेटरी उपस्थित, अपने मीडिया से जुड़े हुए बंधु भगनियों, पत्रकार मित्रों, आप सबको नमन प्रणाम। भिन्न भिन्न देशों से आए हुए मेरे गेस्ट, उन सबको स्वागत अभिनंदन। जनरली एक हमारा चक्षु है, दर्पण है, वो हमारी आंख है और मुझे भी सौभाग्य मिला 1990 में जर्नलिज्म डिप्लोमा करने का। लेकिन मैंने शौक के आधार पर किया है, मेरी रुचि ऐसा नहीं था कि रुचि थी इसलिए मुझे करना है।
छात्र नेता के रूप में पीजी किया, बाद में अध्यक्ष लड़ना है तो फिर क्या लें, तो एडमिशन लेना है। इस नाते जलन होता था टूरिज्म हमारे यहाँ, और दूर से भी लखनऊ अन्य जगह बहुत दूर दूर से आते थे एक ही जगह जर्नलिज्म, इवन कि दिल्ली में भी लखनऊ से भी आया करते थे। वेरी इंटरेस्टिंग ओकेशन हियर टू सेलिब्रेट जर्नलिज्म बिकॉज़ we are living in very interesting times when journalists are being questioned, and there is something called the post-truth society where people are not even interested in truth, but it's important to celebrate journalism because the purpose of journalism is finding out the truth, and for that we have to go beyond simple statements that big powerful people or rich people say, so that we question the logic behind what is being said and question the intent being what is said and then present it to the people. That is good journalism. I only hope this festival promotes that kind of a philosophy. अच्छा, मैंने कहा ना पहले सत्यमेव जयते को याद रख लेना वंदे मातरम के साथ साथ, तो सिर्फ मतलब सत्यमेव जयते जो है जर्नलिज्म के लिए ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि सच्चाई जो है उसके खोज में ही पत्रकारिता होती है, और किसी के कहने पे या सिर्फ भाषण पे मत जाइए, उसके पीछे की नीयत और उनके जो संदर्भ में जो कहे जाते हैं उनके बारे में भी थोड़ी रोशनी डालिए, ताकि असली जर्नलिज्म जो है उसमें सिर्फ कंटेंट नहीं होता, उसमें कॉन्टेक्स्ट भी होता है, जिसमें आप सिर्फ किसी के कहने को आप रिपोर्ट नहीं करोगे पर उसके संदर्भ में उसके आगे पीछे जो होता है उसको भी समझकर एकत्रित करके जब आप प्रस्तुत करोगे तभी असली पत्रकारिता होती है। I'm happy that I'm able to come here. My predecessors from my country in the Sutu have been here before. With me is the first time. It was well organized, and I wish the students who are qualifying to go further in their lives in their faculty or in the field that they've chosen of journalism, and go and see the world how things are done, report about things that happen in the world, and that's how it is. This is your first time you have visited here? That is my first time, but my predecessors have been here, and this is has opened eyes for me that I'll try and connect with people at home, that some of the students have also come here and have a little knowledge about India and have to be able to study. So thank you for this wonderful event. It was very encouraging to see so many young people who are into journalism, that they were open to our experience, what we did before also a journalist. I wish all the students success in their career, and of course many challenging but also beautiful moments in journalism. No, I think it's a very important event, and I have to say also that it's good that we have a platform to celebrate journalism. I was a journalist myself, and I understand very well the job, the challenges, the satisfactions, but also the problems of the profession. I'm always very, very happy to come to the events organized by Marva Studio and all the institutions are around Marva Studio. And the discussion today was very interesting for me and very enlightening, because I think in the inauguration we have covered a little bit all of the journalistic issues of today, from globalism to censorship, freedom of speech versus pressure by the governments, and for me it was very interesting, and
you know, being a journalist was one of the happiest 2 years of my life. So I always enjoy speaking about the subject and meeting journalists. At the global festival, journalism. के इस कार्यक्रम में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इस टीम का मारवा जी अपने गौर जी इनके सबका धन्यवाद करता हूं और इसमें अदर्स कंट्री के जो जर्नलिस्ट से जुड़े हुए अच्छे अच्छे विभूतियां उपस्थित थी और उनके जो वक्तव्य और जो डिस्कशन जो चर्चा वो रही बड़ी सौहार्दपूर्ण और वो एक जर्नलिज्म के लिए भी और उस जगत से जुड़े हुए जर्नलिस्टों के लिए भी एक अच्छी दिशा का काम करेगी। हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर हमारा क्या है और क्या हमको करना चाहिए, साथ ही इंडिया का जर्नलिज्म और अदर्स कंट्रियों का भी एक दूसरे पे परस्पर मिलना संवाद वो देखने को मिला है और बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिली हैं कि वास्तव में पत्रकार जगत एक जिस तरह उसका डेडिकेशन और अपना जिस तरह वो पूरा परिश्रम मेहनत करता है और सीधा जनता से जुड़ने का काम देश और दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम हो रहा है, क्या अच्छा और बुरा हो रहा है, उसको सीधे सीधे दिखाने का जो काम कराता है उससे एक विश्वसनीयता बनते हुए और कुछ जानकारी लेते हुए आगे के लिए सजग भी होता है। ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 12 फरवरी इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे डिक्लेयर किया था आज से 9 साल पहले और इसी तारीख को पूरी इज्जत देने के लिए हम लोगों ने ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म की ये रचना रची। ये 8वां हमारा फेस्टिवल है और तकरीबन 56 मुल्क इस पूरे फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं, दुनिया भर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और ख़ास तौर पर जो फिल्म टेलीविज़न मीडिया आर्ट और कल्चर के जो छात्र हैं पूरे देश भर से और दुनिया भर से सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस मकसद को लेके ये फेस्टिवल शुरू किया गया है वो मकसद है लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर और इसी पूरे फेस्टिवल के ज़रिए जो कि इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर की देन है और इसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इसका अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, हम लोगों ने इसमें ये तय किया है तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा जर्नलिस्ट जो इसमें जुड़े हुए हैं कि पॉजिटिव जर्नलिज़म को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हकीकत तो ये है कि जो नेगेटिव खबर है वो बहुत पहले छप जाती है बल्कि बिना जोर के छप जाती है, लेकिन जो पॉजिटिव खबरें हैं जहां पर अच्छाई नज़र आ रही है वो खबरें बहुत कम छप पाती हैं, ऐसा हमारा मानना था। मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले इन 8 और 9 सालों में जब से हम लोगों ने इस पूरे मकसद को तय किया है और उठाया है दुनिया भर में और देश भर में बहुत तब्दीली आई है, बहुत सारे न्यूज़पेपर मैगजीन टेलीविज़न स्टेशन न्यूज़ चैनल ये सभी लोग पॉजिटिव न्यूज़ को लेकर आगे बढ़े हैं और इन्होंने एक अच्छे स्लॉट तैयार कर लिए हैं जहां पर अच्छी संस्कारिक बातों को भी बेहतरीन तरीके से दिखाया जा रहा है।